Assalamualaikum, I am Zinulai Khan and welcome back to my channel. और आज का लुक होने वाला है दिवाली मेकअप लुक. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. इस मेकअप लुक को क्रिएट करने में मैंने सारे मेकअप प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल यूज किए हैं. और इस मेकअप लुक को मैंने क्रिएट किया है इस आई शेडो पैलेट के साथ, मास्क की आई शेडो पैलेट के साथ, जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है. और सारी गर्ल्स के पास ये आई शेडो पैलेट होगी. ये पैलेट बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप पैलेट है और इसके साथ मैंने फुल मेकअप लुक क्रिएट किया है, फुल फेस मेकअप लुक क्रिएट किया है. और देखना चाहते हो ना इस मेकअप लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो फर्स्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल बटन है उसे भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि आने वाली अच्छी अच्छी सी वीडियो जल्दी से पहुंचती रहे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, शायद उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो. टाइम को वेस्ट किए हुए मेकअप लुक स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. मेकअप करने से पहले आपको अपने फेस को एकदम से साफ रखना होगा और क्लीन रखना होगा. तो एक वाइप का यूज़ कर लिया है मैंने. देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये एक मल्टी टास्किंग पैलेट और मास्क की है ये पैलेट, जिसकी हेल्प से मैंने ब्लैक एंड ब्राउन कलर को ब्रश में पिक किया है और एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैंने आईब्रोज़ को फिल इन कर लिया है. तो ज़्यादा ब्लैक नहीं किया है, ब्राउन को अभी मिक्स किया है. और इसके बाद मैं CVV का ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, कंसीलर स्टिक है ये. और इसके बाद मैंने ये डॉक्टर टेप लिया है, पेपर टेप है ये. इसको मैंने अच्छे से आई मेकअप शार्प हो जाए तो इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हो. कंसीलर अप्लाई कर लूँगी मैं अपनी आईलिड के ऊपर और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से स्मज कर दिया है. देन यहाँ बेला बोस्टे का मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ इसको सेट करने के लिए, बेस को सेट करने के लिए. अब मैं यहाँ पर मास्क की इस पैलेट में से ये एक लाइट सा ब्राउन शेड लूँगी. इसमें 3 या 4 ब्राउन शेड्स हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी लाइट हो. तो क्रीज के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इस कलर को. देन इसके बाद मैंने एक पीच शेड लिया है. पीच शेड मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि मेरा जो बॉटम है वो पीच है, जो मैंने ड्रेस पहनी है उसमें भी जो एम्ब्रॉयडरी है वो पीच कलर की है एंड मेरी चुन्नी पीच कलर की है, इसलिए मैंने ये दूसरा कलर यही पिक किया है. तो मैंने इससे इसी कलर को लिया है, देन इसको स्मच कर दिया है. देन जो नेक्स्ट कलर मैं पिक कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ सी ग्रीन कलर, जैसा आपको मेरा सूट दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग मैंने कर लिया है. और आपकी दिवाली आउटफिट जिस भी कलर की हो तो आप इन दोनों कलर से उसको चेंज कर सकते हैं. तो मैंने पीच एंड ग्रीन किया है. देन कलर अच्छे से पिक होकर आता है फिंगर की हेल्प से, तो मैंने यहाँ पे फिंगर की हेल्प से ग्रीन कलर को पिक किया एंड आप इसका रिजल्ट देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना अच्छा आया हुआ है फिंगर की हेल्प से. देन उसके बाद मैंने ब्रश लिया और जहाँ पर ये कलर नहीं जा रहा था उसे फिंगर की हेल्प से ब्रश की हेल्प से मैंने उसको पूरे में फैला दिया. देन यहाँ पर फिर मैंने कंसीलर लिया है. देन यहाँ पर मैं अपनी क्रीज को कट कर रही हूँ और क्रीज को कट करना बहुत ही ईजी होता है, बट हमें इस प्रोसेस को बहुत स्लोली करना होता है. देन मैंने यहाँ पर ये ग्रीन मेटालिक शेड लिया है, शिमरी शेड है, उसे मैंने एप्लीकेटर की हेल्प से लगाने के लिए ट्राई कर रही थी बट एप्लीकेटर से अच्छे से नहीं लग रहा था, तो मैंने दूसरा ब्रश उठाया और उसकी हेल्प से मैंने इसको लगा लिया. देन यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो क्रीज पे ब्राउन कलर और कर रही हूँ क्योंकि क्रीज लाइन मुझे थोड़ी सी लाइट लग रही थी. देन मैंने लिप्स को मॉइस्चराइज करना भूल गई थी. BLCC की ये है लिप बाम, वो यूज़ कर लिया है. देन आईलाइनर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का आईलाइनर. एंड गाइस सीरियसली बहुत ही अमेजिंग आईलाइनर है और बहुत ही शार्प इससे आपका आईलाइनर लग जाता है. लोटस का मैं यहाँ काजल यूज़ कर रही हूँ और ये भी काजल बहुत अच्छा है, 4 to 5 hours आपकी आईज़ पर अच्छे से स्टिक रहता है. देन इसके बाद मैं थोड़ा सा ग्रीन लुक देने के लिए ग्रीन आईलाइनर का यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास ग्रीन आईलाइनर नहीं हो तो आप यहाँ पर आई शेडो लगा सकते हैं. और इससे क्या होता है, आईलाइनर लगाने से काजल के नीचे आपका जो आईलाइनर है वो लॉक हो जाता है, काजल फैलता नहीं है. देन यहाँ पर मैं मेबेलिन का ये यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग मस्कारा मुझे लगता है ये और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. देन मैं यहाँ जेनरिक ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ आईलैशेस और फ्रेंड्स ये भी आईलैशेस बहुत अच्छी हैं और आप ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हो पार्टी मेकअप लुक के लिए और बहुत ही ईजीली लग जाती हैं. और आप लुक मेरा देख सकते हो कितना अच्छा आया हुआ है. और
और आप बताइए कैसा लग रहा है आपको मेरा ये आई मेकअप लुक। देन अब फेस मेकअप पर आते हैं। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ब्लू हेवन का प्राइमर, और अच्छे से मैंने प्राइमर को लगा दिया है। इसके बाद जो कुछ भी लगाऊंगी बड़ा ही स्मूथ लगने वाला है। देन मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का गोल्डन पिंक इल्यूमिनेटर लगाने वाली हूँ। फेस्टिवल के लिए मेकअप कर रही हूँ तो स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोई होनी चाहिए, और इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसको अपने हाथों से ही इसको ब्लेंड कर दिया है। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का सुपर स्टे वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मैं। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है तो इसको आपको बहुत ही कम लगाना पड़ता है, और आप देख सकते हो मैंने एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको स्मच कर दिया है। देन इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसका स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, और लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है बहुत ही हाई कवरेज देता है। फिर भी लेकिन मैंने थोड़ा सा फेस को ब्राइटन अप दिखाने के लिए, क्योंकि पिक्स अच्छी आती हैं, तो मैंने यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर लिया है। तो आप देख सकते हो फेस कितना अच्छा ब्राइट दिखने लगा है। और इसके बाद मैं फुल फेस को सेट करने के लिए यही बेला बोस्टे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने फुल फेस को इस तरह से सेट कर लिया है। मेरा फेस अच्छे से लॉक हो गया है मेकअप से। और इसके बाद और जो कॉन्टूर कर रही हूँ मैं इसी पैलेट में से, मास्क की पैलेट में से मैंने एक लाइट शेड ले लिया है ब्राउन कलर। और इस तरह से आपको करने से आपका फेस बहुत ही अच्छा सा दिखता है, डबल चिन नहीं दिखती है, फेस एकदम अच्छे से शार्प लुक देने लगता है, फ़ोटोज़ आपकी बहुत अच्छी आती हैं। तो आप इस तरह से इस स्टेप को कर सकते हैं। नोज़ को भी कंटूर कर रही हूँ मैं इस तरह से। और देन ब्लश के लिए मैं इसका ही ये दो पिंक शेड ले रही हूँ, और इसको थोड़ा सा आपको फुल नहीं लगाना है फेस पर, थोड़ा सा इसे डस्ट ऑफ कर देना, देन इसके बाद यूज़ कर लेना। देन इसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ किया है ये इन कलर का सिल्वर हाइलाइटर, जिसकी पिक मुझसे मिस हो गई थी। देन मैं आपको बाद में लगा कर दिखा रही हूँ। मैं ऑलरेडी इसको लगा चुकी थी, ये टियर डक पर और ब्राउ बोन पे मैंने लगा लिया था, एंड चीक पर भी लगा लिया था। आप देख सकते हो हाइलाइटर के बिना तो मेकअप एकदम से अधूरा लगता है, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट होता है हाइलाइटर लगाना। तो आप देख सकते हो फाइनल रिज़ल्ट कितना ही औसम आया है। और इसके बाद मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट मैं लिपस्टिक लगाने से पहले यूज़ करती हूँ लिप लाइनर। जिस भी कलर की आप लिपस्टिक अप्लाई करने वाले हो तो उसका लिप लाइनर यूज़ कर सकते हो। देन मैं ये आई एम्स्टरडैम की बहुत ही प्यारा सा रेड शेड यूज़ कर रही हूँ। रेड ऑरेंज शेड आया है लगने के बाद, ये तो बहुत ही अच्छा है। और मैंने इसको लगाकर 4 to 5 आवर्स तक बिल्कुल भी स्मच नहीं किया था। ये अच्छे हैं ये आई एम्स्टरडैम के। एंड गाइस दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक। आप बताइए आपको ये लुक कैसा लगा है। मेरा तो ये लुक एकदम से फेवरेट लुक है। चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।